न्यूज सिर्फ सच। पतनपुर के पास हथौड़ा सराय निवासी शंकर पटेल पट्टी में लेखपाल है। गुरुवार शाम 5 बजे वे पट्टी से बाइक से घर के लिए निकले। पट्टी रानीगंज मार्ग पर जंगल के पास वे पहुंचे ही थे कि पीछे से एक बाइक पर 3 बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक कर रोक दिया। एक बदमाश ने उन पर तमंचा और दूसरे ने चाकू सटा दिया और इसके बाद तीनों बदमाशों ने उसकी पिटाई करते हुए उनके पास मौजूद 2000 रुपये, मोबाइल फ़ोन, बाइक और हेलमेट लूट कर जामताली की ओर भाग निकले। महेशगंज थाना क्षेत्र के शुक्लन के पूर्वायधा निवासी सेवानिवृत्त साधन सहकारी समिति के सचिव राजमणि तिवारी गुरुवार को शरद पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए गए थे। गंगा स्नान के बाद वे बाइक से पत्नी करोड़ी देवी के साथ घर लौट रहे थे। कुंडादाना क्षेत्र के बानेमऊ के आगे गड्ढे में पहिया चले जाने से बाइक उछल गई। इससे करोड़ी देवी अनियंत्रित होकर बाइक से सड़क पर जा गिरी, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट। उन्नाव जनपद के रहने वाले इमामुद्दीन अपने ससुराल सराय नाहर आए थे। गुरुवार की सुबह पंपिंग सेट के लिए डीजल लेकर लौट ही रहे थे कि उदारपुर नर्सिंग स्कूल के पास पूर्वा की ओर से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। कंडेई थाना क्षेत्र के कादीपुर पुल के पास एक युवती का शव नदी में बहकर पहुंच गया। युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी, मगर माना जा रहा है कि हत्या कर उसका शव फेंका गया है। नदी से लाश निकलवाने को लेकर दो थानों के बीच काफी देर तक मामला अटका रहा। अंत में कंधई पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भक्तिधाम मनगढ़ में कृपालु जी महाराज के जन्मदिन को जगत गुरुत्मम जयंती के रूप में मनाया गया। श्रद्धालुओं ने उनकी अर्चना करने के साथ ही उन्हें भावपूर्ण तरीके से याद किया। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं और साधकों ने केक काटकर गुरु का स्मरण किया। सड़वा चंद्रिका ब्लॉक के रसूलपुर गुलरहा ग्राम पंचायत का कोटा अनियमितता के कारण निलंबित कर दिया गया। पूर्व प्रधान अखिल प्रताप सिंह और शिवरण तिवारी ने कोटेदार राधेश्याम वर्मा के खिलाफ शिकायत की थी। उपायुक्त खाद्य एवं रसद ने 21 सितम्बर को गाँव जाकर जाँच की, जिसमें 94 ग्रामीणों ने राशन और कैरोसिन न मिलने की बात कही। इस रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने लाइसेंस निलंबित कर दिया। अक्टूबर महीने से ईंट भट्टों का नया सत्र 2017-18 आरंभ हो गया है। नए सत्र में अधिकांश ईंट भट्टा मालिकों ने अब तक पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र नहीं लिया है। जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार यदि बिना पर्यावरण प्रमाण पत्र के किसी भी ईंट भट्टे का संचालन किया जाता है तो नियम के अनुसार राजस्व क्षति की वसूली के साथ साथ FIR दर्ज कराई जाएगी। अक्टूबर महीने से ईंट भट्टों का नया सत्र 2017-18 आरंभ हो गया है। नए सत्र में अधिकांश ईंट भट्टा मालिकों ने अब तक पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र नहीं लिया है। जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार यदि बिना पर्यावरण प्रमाण पत्र के किसी भी ईंट भट्टे का संचालन किया जाता है तो नियम के अनुसार राजस्व क्षति की वसूली के साथ साथ FIR दर्ज कराई जाएगी। नई योजना समिति की आज बैठक बुलाई गई है, इसमें प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह भी उपस्थित रहेंगी। की वेबसाइट पर जाने की झंझट, न लिंक ओपन करने की जरूरत, सीधे अपने मोबाइल पर देखें अपने जिले का दिन भर का हाल। तो देर किस बात की, मोबाइल उठाइए और अपने मोबाइल में सेव करिए 9140255835। अपना नाम और पता इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और फिर ले मोबाइल पर दिन भर की खबरों का हाल।